आज का बोरा इस टाइप का आता है यहाँ पे दोस्तों। पाँच मैं नमाज पढ़ा, आप सबके लिए दुआ। मैंने इंडोमी बनाया एनीमे। ये क्या ले गया? हमको लगा तो बादाम मेरे लिए। मटन को हमने कुकर में गलाया था। स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिरोज का ब्लॉग में। दोस्तों आज जुम्मा है और हम जुम्मे के नमाज पढ़ते हैं विनोद भाई के रूम में, तो वहीं पे देख रहे हैं। हमने अपने साथ कपड़ा ले लिया और लहसुन बोला था विनोद लेकर आना भाई बिरयानी बनाने के लिए। लहसुन कभी मुर्गी चाहिए कभी चिकन चाहिए, हमें लेके जाना पड़ता है भाई। साथ में खाएंगे तो हमें ध्यान देना पड़ता है। तो ये हमारा गाड़ी है दोस्तों। सुबह में दोस्तों देख रहे हैं बिल्कुल कोई सो के नहीं उठा क्योंकि भाई जुम्मा है तो छुट्टी है। तो ये हमारे साथ कचरा है दोस्तों हमारे रूम का, हमें खुद फेंकना पड़ता है। हम फेंक देते हैं इसको, ठीक है। और हम गाड़ी को देते हैं रिमोट दबा के बटन खोल लेते हैं और हम गाड़ी के अंदर आ जाते हैं। गाड़ी को चालू कर देना ताकि अब थोड़ी सी गाड़ी हीट होगी। और ये लहसुन है दोस्तों सूखा हुआ, ये जल्दी ख़राब नहीं होता। यही लहसुन हम लोग यूज़ करते हैं, कभी गीला भी करते हैं। कपड़े ले लिया दोस्तों, वहीं पर धोएंगे और विनोद के रूम में नहा वहा के पहन के खाना वाना बना के नमाज पढ़ने जाएंगे। और लेट काफ़ी हो गया है तो गाड़ी गर्म हो गया, सीट बेल्ट लगा लिए दोस्तों, अब निकलते हैं, ठीक है। ये हम डाल दिए इसको डायरेक्ट डी में क्योंकि आगे का रोड खाली। जो भी होता है सऊदी अरब का जो रियल होता है, अब मैं रियल बताता हूँ, मैं कुछ फेक फाक नहीं करता हूँ। अगर आप आओगे ड्राइवर की नौकरी में तो रियल आपको इसी टाइप से करना पड़ेगा, गाड़ी धोना पड़ेगा, हर काम जो होता है मैं रियल अपनी वीडियो में बताता हूँ। तो देख रहे हैं दोस्तों शानदार बीच और यफा का मस्जिद माशाल्लाह। मैं जब भी जाता हूँ तो एक झलक जरूर देख के जाता हूँ क्योंकि काफ़ी खूबसूरत है यहाँ का मस्जिद। इंडिया की काफ़ी याद आती है, देख रहे हैं यहाँ पे कितना अच्छा है यहाँ का जो मतलब लोकेशन है, बहुत ही अच्छा है। दोनों साइड से झाड़ है और गाड़ी चलाने में काफ़ी मज़ा आता है दोस्तों। और यहाँ की रोड दोस्तों काफ़ी आपको स्मूथ मिलेगा गाड़ी चलाने के लिए, और लाइसेंस रहेगा तभी यहाँ पे गाड़ी आपको चलाना है दोस्तों, नहीं तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फाइन भरना पड़ेगा। हो सकता है इंडिया भी डिपोज आप कर दो या जाओगे, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों बिल्कुल शांति वाला रोड से हमारा दोस्तों आना जाना लगा हुआ रहता है, ठीक है। और चलते हैं दोस्तों विनोद भाई के रूम में, देखते हैं वो क्या कर रहा है। और यहाँ का जो खाली ज़मीन होता है देख रहे हैं दोस्तों किस टाइप का होता है, पथरीला ज़मीन होता है, ठीक है। वीडियो को देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। और भाई थोड़ी सी मेरी आवाज़ ख़राब है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, थोड़ी सी आप लोग बर्दाश्त कर लेना भाई अपना भाई का आवाज़ को, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी कल से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, ठीक है। तो हम यहाँ पर दोस्तों आ जाते हैं और बिल्कुल यहाँ पर देख रहे हैं टर्न कितना अच्छा है। और आज शुक्रवार का दिन है दोस्तों तो रोड काफ़ी खाली है दोस्तों, 120 लेकिन आप 120 है तो 115 में चले, ठीक है। और मैं मोबाइल को नीचे करता हूँ क्योंकि सामने है कैमरा। तो भगाने का दोस्तों मैं काफ़ी स्पीड भगा सकता हूँ गाड़ी को, लेकिन क्या करे भाई, भगाने का पैसा अपना जेब से कटेगा। लेकिन मैं भाई एकदम 100 में चल रहा हूँ, एक रोड का स्पीड 120। और फ्राइडे का दिन है दोस्तों तो छुट्टी है, तो नमाज पढ़ने के बाद ही लोग यहाँ पे निकलेंगे कहीं पर, ठीक है। दोस्तों आप लोग का सपोर्ट का ज़रूरत है, मैं काफ़ी वीडियो बनाता हूँ आप लोग के लिए बनाता हूँ क्योंकि आप लोग देख सको इंडिया से पाकिस्तान से नेपाल से बांग्लादेश से जो लोग भी आएंगे सऊदी की लाइफ कैसी होती, ठीक है। बहुत ही लाइफ यहाँ पे आसान है दोस्तों, कम है तो आप यहाँ पे एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजर बसर कर सकते हो, इतना आप कमा जाओगे। काफ़ी शानदार व्यूज, ठीक है। कभी भी ये मत सोचना कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मैं नहीं जा सकता। गल्फ़ अब एक ऐसा जगह है दोस्तों, क्या आप अनपढ़ भी हो तो यहाँ पे आके कमा सकते हो, बिल्कुल अंगूठा छाप हो तो आप कमा सकते हो, 30 से 40 से 50 हज़ार तक भी कमा सकते हो। अगर आपका लक अच्छा है तो आप लाखों में भी कमा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी जगह कैमरे लगे होते हैं, एग्जिट बी लिखा हुआ है उसी में हम मार रहे हैं क्योंकि हमें जाना है रियाद सेंटर में जाना है, ठीक है। क्योंकि मैं पहले रियाद सेंटर में रहता था लेकिन अभी मैं थोड़ा चेंज हो गया हूँ, तो विनोद हमारा वहीं पर रहते हैं रियाद सेंटर में, ठीक है। देख रहे हैं बिल्कुल ज़बरदस्त दोस्तों, ठीक है। टर्न लिया दोस्तों, वैसे अभी पकड़ना है हमें मक्का वाला तरीकुरेश, इस रोड को मक्का वाला तरीकुरेश बोलते हैं दोस्तों। और उधर से जो आ रहा है उसको बोलेंगे दम्माम तरीकुरेश, ठीक है। इसी तरह से यहाँ का रोडों का नाम लिया जाता है दोस्तों, और इसी तरह से यहाँ पर रोड आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल एकदम स्मूथ और अच्छी रोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सऊदी अरब में खड्डे उड्डे नहीं मिलेंगे रोड में, गाड़ी देखो बिल्कुल हिलेगी नहीं यहाँ पे जो भी गाड़ी चलेगी, ठीक है। तो मैं पहुँच जाता हूँ और गाड़ी को पार्किंग में लगा देता हूँ। पार्किंग में लगाने से पहले ध्यान देना है, गाड़ी को ऐसा जगह खड़ा करना है ताकि गाड़ी को आपका कोई नुकसान ना करे, यानी कोई ठोक के ना चले जाए, ठीक है। देख रहे हैं बिल्कुल टाइम हो गया था, 10:30 बज गया था लगभग, और अभी तक खाने का कुछ पता ही नहीं था क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, और सूरज की गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रहा था, ठीक है। तो हम अंदर चलते हैं और विनोद भाई से मिलते हैं और देखते हैं उसका रिएक्शन क्या, उसने क्या क्या काम किया क्या क्या काम नहीं किया है।
ये क्या कर रहा है? बादाम नहीं है ये क्या लेके आया? हमको लगा तू बादाम मेरे लिए लेके आया है। उतना तू लकी नहीं है। मैं बादाम तो लसन में पहली बार देख रहा हूं। लसन है ये? लसन है सूखा हुआ, इसीलिए तो बोलता हूं बादाम। अरे हमको लगा तू मेरे बादाम लेके आया भाई। पैकेट में देखा तो खुश हो गया। मैंने बाद 1 किलो बादाम ले आया। दिमाग का कमजोर तो बादाम खा। कमजोर है ना तो ठोकर खा, बादाम मत खा। ठोकर खाएगा तब चला लेके जा भाई। बादाम बादाम नहीं लसन है ये। लसन खराब नहीं होगा, इसको सालों तक खाएंगे हम परदेसी। ठीक है, डाल उसमें और पीस और बना मटन बिरयानी और चाप के खाएंगे। जुम्मा है यार, देख रहे दोस्तों, चाप के बिरयानी बनाएंगे और चाप के ये मैगी बनाए। देखो अंडा कैसे डाल देता है। पीस उसको तो भाई, बिरयानी बनाओ जुम्मा को, चाप के खाओ बिरयानी। दोस्तों बकरे का मटन की बिरयानी हम बना रहे हैं और लेट हो गया थोड़ा सा घाई घाई में। और देखो तू बोल, मेरे जो ये बोल मेरे से लेट हो गया। और ये देखो विनोद भाई ने इंडोमी बना के रखा है। इसको अरबिक में मैगी को यहाँ इंडोमी बोलते हैं, अंडे वाला। ऐसा बनाया, इसका टेस्ट देखते हैं खा के कैसा। ऐसे एकदम गर्मा गर्म है। ठीक है, मजा आ रहा है। ऐसे मरवा का याद आ गया तुझे? ऐसे बना, मैं ऐसे बनाता हूँ। कहाँ से बनाने को? पता कैसे लगेगा ये तो भाई लोग, ऐसे ट्राई करना जैसे हमारे विनोद भाई ने बनाए। ठीक है, बिल्कुल काफी इंजॉय और काफी मजा आने वाला। ठीक है, मसाला डाल रहे हैं मटन बिरयानी के लिए कुकर में, गोश्त को गला के उसके बाद हम लोग इसको डालेंगे। एक दिन मिला है तो खत्म कर देगा क्या पूरा? और है तो क्या हुआ, फिर ले आऊंगा ना। और मेरे पास अभी बहुत है, तू एक साल खत्म नहीं करेगा उतना बिरयानी मसाला है। तू बकाला खोल रखा है इधर ना, तू टेंशन क्यों ले रहा है? मैं खोल के लाऊंगा ना बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला डाल दिया जाफर भाई ने, कुकर में गलाना है मटन को, उसके बाद बनाना। जुम्मा के दिन कितना घाई हो जाता है। जाफर भाई भी कपड़ा धो के इसको प्रेस कर रहे हैं जुम्मे के लिए। और यहाँ पे हमारा दोस्त एक साइड चावल बन रहा है, एक साइड हम मटन को गला रहे हैं। ये होती है ड्राइवरों की लाइफ। तो जुम्मा के बाद क्या तुरंत ड्यूटी लग सकता है? घोड़े पे रहते हैं, घोड़े पे बैठे रहते हैं ना, घोड़े पे जल्दी हाथ दो। बकरे का मटन हमने 1.5 किलो लाए थे, गल गया है। अब इसको बिरयानी के लिए हम लोग अब डालते हैं, बिल्कुल रेडी हो गया। ठीक है, उसको अलग गलाना है और चावल को अलग फनाना है। तो अब इसको दम में लगाते हैं। हमारा चावल हो गया है 70% और गोश्त भी हो गया हमारा 90%। और हम इसमें डालेंगे दोस्तों बकरे का, रोज चिकन का तो हम लोग खाते दोस्तों, लेकिन आज प्लान बन गया कि आज थोड़ा बकरे का मटन का बिरयानी बनाया जाए भाई। बहुत दिन हो गया। वापस डाल देना थोड़ा सा सालन, कुछ नहीं तो कम बनाता है। क्यों कम बनाता है? अगर कोई आ जाएगा तो आज दो ही लोग को खाना, कोई है नहीं तो क्या करेंगे? अगर कोई आ जाएगा तो आ जाएगा तो भात खिला देंगे, चावल बना के दोबारा सालन मुर्गी बना देंगे। ये हमारा भाई हो गया फाइनल कंप्लीट। पैसा भी नहीं का तपीला ले सके। ठीक है, तो इसी को हम लोग ढाक देते हैं ताकि हमारा काम हो जाए किसी का। ठीक है, ये रहा, हम ढाक दिए दोस्तों। और इसी को ये ढक्कन हमारा समझ लीजिए आप, और इसी को पैक कर देते हैं अच्छे से। अब आपको मिलेंगे दोस्तों नहा वहा के जुम्मा के बाद। जुम्मा के बाद ये तपीला को खोलेंगे और इसको अभी दम में रखना है हमें कम से कम 15 से 20 मिनट, जब तक कि हमारा हो ना जाए। और इसमें पानी मारेंगे, चट चट करेगा तो समझ लेना हो गया बिरयानी रेडी। स्टॉप करते हैं, नहा वहा के मिलते हैं दोस्तों आपसे। देर कर रहे विनोद, कितना टाइम लगेगा? सही लग रहा है। तो ये भाई विनोद भाई सुलेमान वाला टोपी लगाने वाले हैं। चलते हैं दोस्तों, निकलते हैं। और मैंने यहाँ से मैं इसी को पहनता हूँ, इसी को धूप को बचा के रखना है अपने आँखों को। दोस्तों देख रहे हैं काफी भाई लोग भी आ रहे और जा रहे। कितने बजे जमात होता है? 12:05 दोस्तों, 12:05 में सऊदी अरब में जमात होता है। आप लोग बताना इंडिया में पाकिस्तान में कितने कितने बजे जुमे की नमाज की जमात होता है। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो में बने रहे लास्ट तक। ठीक है, और आज हम पैदल ही जा रहे हैं दोस्तों। हाँ, 2 मिनट का रास्ता है, पार्किंग नहीं मिलता इसके लिए हम लोग चलो सोचे। हाँ, हमें अगर गाड़ी फ्री तो हमें उतना भी यूज़ नहीं करना चाहिए, मौके का फ़ायदा नहीं उठाने से थोड़ा पैदल भी चलना चाहिए। क्या बोलते हैं ना? सही है, तो चलो दोस्तों चलते हैं। देख दी आरमानी का दोस्तों, आपको एक फ़ायदा है कि यहाँ पे नमाज के लिए आपको कोई नहीं भूलेगा। ठीक है, और ख़ास करके जुम्मे का नमाज जल्दी आपको छूटेगा, यहाँ पर लोग जो है सो के लिए कोई मना नहीं करेगा। तो देख रहे हैं माशाला यहाँ का मस्जिद का मीनार देखिए कितनी खूबसूरत है। तो यहाँ से वजू बनाएंगे, उसके बाद आपको मिलेंगे सीधे नमाज पढ़ने के बाद। ठीक है, ये छोटी सी बाज़ार है यहाँ पे दोस्तों। देख रहे यहाँ पे दोस्तों काफ़ी फ्रूट ये सब मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए ये मिलेगा दोस्तों, जो लोग हमारे इंडियन भाई लोग जो लोग काम करते पाकिस्तान भाई लोग कंपनियों में, उनको पास गाड़ी नहीं होता, वो लोग यहीं से ख़रीद के ले जाएंगे। ठीक है, देख रहे प्याज का बोरा इस टाइप का आता है यहाँ पे दोस्तों, 5 किलो। पर यहीं पर खोल लिए। मस्जिद के अंदर जाने के बाद हम फ्रिज के पास जाते हैं, वहाँ से पानी ले लेते हैं क्योंकि ये नमाजियों के लिए रखा रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हो गया जुम्मे का, आप सभी को जुम्मा मुबारक। और हम बाहर निकलते हैं और हम चप्पल देखने लगते हैं क्योंकि जुम्मे के दिन काफ़ी रश होता है तो चप्पल नहीं मिलता है। तो वीडियो में पूरा आप। तो फाइनली दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे का नमाज़ पढ़ा, आप सब के लिए दुआ की, आप सब हम परदेशियों के लिए दुआ करना दोस्तों। बराबर टाइम से नमाज हो गया 12:05 में। ठीक है, और देख रहे हैं यहाँ पे
जुम्मे का नमाज़ पढ़ने के लिए लोग बड़े बड़े गाड़ियों से आते हैं, जिनके पास गाड़ी होता है जो दूर में होते। ठीक है, विनोद भाई मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। आज थोड़ा सा हम लोग सेड है, इसलिए कि आज हमारे पास कोई ड्राइवर भाई नहीं आ पाए काम की वजह से। काम यहाँ पे ऐसा रहता, फ्री रहते तो तीन चार लोग आ जाते, लेकिन आज नहीं है। हम और सिर्फ विनोदी बिरयानी का मजा उठाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा बने रहे। गली में काफी लोग जा रहे हैं, धूप नहीं लग रहा भाई? धूप अभी कम होने लगी, मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है ना, वेदर चेंज हो रहा है दोस्तों। और टैक्सी देख रहे हैं यहाँ पे कितनी महंगी चलती, सऊदी अरब में महंगी गाड़ी यहाँ पे टैक्सी में चला देते लोग। ठीक है भाई, मैं ट्रैक्टर चलाता हूँ, लेकिन ईटा और बालू होता था भाई, उसमें भी बैठ के जाते हैं, बारात भी जाते हैं, बारात भी जाते हैं, पैसेंजर भी बैठ के जाते हैं। मैं बारात गांव में एक बार इसको ट्रैक्टर चला के दूल्हे को बैठा के ट्रैक्टर। तू ड्राइवर तू था और क्या, मैं ले जाता बोल रहा है। कपड़ा क्यों सिखाया, क्या करूं भाई, किधर सिखा उसका, रूम में आदमी मर जाए लाश ना निकले, इतना छोटा है। तो हम लोग पहुँच गए दोस्तों रूम के बाहर, दरवाजा खोलते हैं, बिरयानी निकलते हैं, आपसे मिलते हैं। ठीक है, ये रहा, हमने हमेशा चिकन का बिरयानी बनाए थे, लेकिन आज बकरे का मटन का भाई बिरयानी, तो इसको निकालते हैं और खाते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपसे। ठीक है, बकरे का मटन को हमने कुकर में गलाया था, बिल्कुल एकदम गल गया दोस्तों। इसको खा के देखते हैं निवाला लेके कैसा है। ठीक है, जबरदस्त बनाए दोस्तों, काफी अच्छा है। मेरी तबीयत सही नहीं है, लेकिन क्या करेंगे, जुम्मे के दिन खाना है भाई बिरयानी। तो आज की ब्लॉग हमारा यहीं तक था दोस्तों। वीडियो पसंद है लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना, अगर पहली बार फेसबुक में देख रहे तो फॉलो कर देना, यूट्यूब में देख रहे तो सब्सक्राइब।